पिछले कई वर्षों से पेयजल की जूझ रही महिलाओं के सब्र का बांध सोमवार को टूट गया और लाल मंगरी निवासी सैकड़ों महिलाएं हाथ में मटके लेकर नगर निगम पहुंची। निगम परिसर में जमकर नारेबाजी करते हुए महिलाओं ने खाली मटके फोड़े। हिरन मंगरी सेक्टर 7 में लाल मंगरी कच्ची बस्ती की महिलाएं लंबे समय से पानी की समस्या से जूझ रही है। महिलाओं ने बताया है कि क्षेत्र में पानी की टंकी लगाने की मांग को लेकर पहले भी कई बार धरने प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं मिला है। सोमवार को क्षेत्र की महिलाएं इकट्ठी होकर निगम पहुंची और मटकियां फोड़ दी। लोगों ने कहा है कि इतनी भीषण गर्मी में कपड़े धोने और नहाने के पानी की बात तो दूर, यहां पीने का पानी भी नसीब नहीं है। 13-14 साल हो गए सरकार ने टंकी का बजट लेके भी, और अभी तक टंकी नहीं बनाई। मेरे यहाँ पानी की बहुत दिक्कत है। हम लाल मंगरी के वासी मतलब इतना परेशान है कि नहाने धोने के लिए भी पानी नहीं। हम पूरा दिन मजदूरी करने जाते हैं और फिर भी आज पानी की नहीं है। टंकी के लिए हम कितनी बार रैली लगा चुके, कितनी बार धरना दिया हमने जाके, लेकिन हमारे आज भी मंगरी के ऊपर टंकी नहीं बनी।